मेडिकल साइंस की तरक्की भारत में पहली बार दो मरीजों के लिए वरदान साबित हुई है। देश में पहली बार जयपुर के डॉक्टर्स ने हार्ट सीआरटी तकनीक में पेसमेकर के तार को दिल के तार से जोड़कर एक हार्ट फेलियर मरीज की जान बचाई। वहीं ऐसे ही एक अन्य दुर्लभ केस में बिना चीरफाड़ के कैथेटर के जरिए दो वॉल्व एक साथ बदलने में सफलता प्राप्त की। दरअसल यह है कीर्तिमान जयपुर के इंटरनल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने रचा है, जिनको लेकर अमेरिका के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट और डॉक्टर समीन के शर्मा ने शुक्रवार को यहां मीडिया को बताया कि भारत में तो यह दोनों केस पहली बार हुए हैं जिसमें दिल को विद्युत प्रवाह देने के लिए पेसमेकर के तीन तारों को भी लाभ नहीं मिलने पर चौथे तार को सीधे हार्ट के तार से जोड़ना अपने आप में अजूबा है। इसके लिए दिल के सभी हिस्सों को बराबर करंट पहुंचने से दिल की धड़कन सामान्य करने में मदद मिलती है। इसी तरह डॉक्टर रविंद्र सिंह राय ने भी बिना ऑपरेशन सर्जरी के देश में पहली बार मरीज के हार्ट के दो वॉल्व्स एक साथ बदलकर कामयाबी हासिल की। के द्वारा दो वाल्व लगाए गए थे, एओर्टिक और मिटर वाल्व जो ख़राब हो गए थे। दोबारा उस पेशेंट को वाल्व रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ी। तो जो हम लोग बता रहे हैं इस केस के अंदर दोनों वाल्व बिना ऑपरेशन पैर की आर्टरी के द्वारा जाके बदले गए, जिसको ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व एंड ट्रांस कैथेटर मिटर वाल्व रिप्लेसमेंट वाल्व इन वाल्व बोला जाता है। ये इंडिया का फर्स्ट केस है जिसके अंदर एक ही सिटिंग में हृदय के दोनों वाल्व बिना ऑपरेशन के बदले गए। जो था वो 60-year-old फीमेल थी जिसको हार्ट फेलियर की शिकायत थी। इसका जो हार्ट पंपिंग बहुत कम करता था, तो सीआरटीडी जो काफ़ी 2 से 3 दशकों से जो ट्रीटमेंट चला आ रहा है उसको हमने करने का प्लान किया था, जिसमें तीन तारों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ऑन टेबल हमें समाव लगा कि वो सीआरटीडी से पूरा इम्प्रूवमेंट उसमें नहीं आएगा, तो ये हमने चौथी तार का इस्तेमाल किया, जिसको हिज बंडल जो पेसमेकर जो हार्ट का एक नेचुरल वायर होता है करंट के कंडक्शन के लिए, उसके साथ हमने एक और तार को जोड़ करके उसी सीआरटीडी डिवाइस के साथ जोड़ा। तो सीआरटीडी को 4 लीड की सहायता से किया गया बेटर सिंक्रोनाइजेशन के लिए। और इससे जनजीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।